वेलकम टू एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। आप सभी भाइयों और बहनों, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को आपके चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक, अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बात करेंगे, फिलहाल आपको पता होगा कि कल का जो आपकी यानी जो इसके पिछला जो क्लास थी आपकी, उसमें हमने आपको बताया था अभ्यास 42। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अभ्यास 43 की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है और किस तरीके से आपको समझना है। ठीक, देखिए अब चलिए चाहे टाइम न लेते हुए सेक्शन करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले आप ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि की बुक ओपन कर लिए होंगे। अब आपको पता है कि हम हर एक क्लास में बोलते हैं कि आप बुक ओपन कर ही इस क्लास को लिया करिए। ठीक, तो देखिए तो उम्मीद है कि बुक आप ओपन कर लिए होंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अभ्यास 43। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है हिंदी आपके बुक में, और उसमें दिया हुआ है कि संकेत लिपि में अनुवाद करो। ऋषि प्रणाली में आपको करना है अनुवाद, और उसमें लिखा हुआ है टॉपिक, देखिए दिया हुआ है नीम। नीम तो नीम देखिए कैसे लिखा जाएगा, पहले आप उसको देख लीजिए। देखिए नीम यानी ये टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए ना का और ना में बड़ी की, इधर देखिए अगले व्यंजन की पहले, यानी ये हो गया नीम। ठीक, नीम देखिए ये नीम हिंदी में, ये शॉर्ट हैंड में। ठीक, तो इसको समझिए पहले। देखिए इसमें पॉइंट वॉइंट तो कुछ नहीं दिए हैं, इसमें देखिए पैराग्राफ दिए हैं। देखिए एक पैराग्राफ, दो, तीन, चार, पांच पैराग्राफ दिए हुए हैं, और पांचों में मुहावरों में अपने अनुसार करना है इसको। ठीक, तो समझिए पहले। देखिए लिखा हुआ है जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है। अब देखिए जितने भी आप नियम रूल पढ़ चुके हैं उन सभी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक, तो जिस तरह देखिए आप बना सकते हैं जिस तरह को, देखिए जिस तरह, ठीक, जिस तरह जाड़े, तो जा हमने बताया है जा का आंकड़ा और अंत में काट देंगे रा से हो जाएगा रे, जा में बड़ा आ की मात्रा उस व्यंजन के पहले पक्ष में। ठीक, जाड़े, जिस तरह जाड़े में का शब्द चिन्ह होता है लाइन पर, जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, देखिए पहले काट दिया तो धा से हो जाएगा धा, देखिए धूप अच्छी का होता है लाइन काटते हुए अच्छी लगती है, लगती है। ठीक, जिस देखिए जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ है उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है। उसी तरह देखिए उसी तरह गर्मी में ठीक, उसी तरह गर्मी में छाया भली, देखिए छा में बड़ा आकी मात्रा, जम बड़ा आकी मात्रा, छाया भली ठीक, भली मालूम होती है। मालूम मध्य का शब्द चिन्ह है लाइन के ऊपर मा लिखने से, मालूम होती, हुआ हुए होती का शब्द चिन्ह है लाइन पर होती, और उसमें है जोड़ दिया हमने। ठीक, होती है, इतना समझिए। देखिए अब उसके बाद लिखा हुआ है गर्मी में इधर दोपहरी आई। ठीक, इतना देखिए पहले, गर्मी में इधर दोपहरी, देखिए दोपहरी, दा में ओ की मात्रा, पहाड़ में बड़ी की मात्रा, दोपहरी आई, देखिए आई ऐसे बनाइए। ठीक, दोपहरी आई, आई उधर लोग घरों में छिपने लगे। ठीक, उधर, उधर का सब्जी लाइन पर होता है, उधर लोग का सब्जी होता है लाइन पर, लोग घर, उधर लोग घर, देखिए उधर लोग घर में छिपने लगे, में छिपने लगे। ठीक, देखिए छिपने कैसे लिखेंगे इसको, छा, छा में ई की मात्रा और पा, छिप और ना है, ना क्रिया होता है, इसको हम ना ने नी कुछ भी पढ़ सकते हैं, छिपने लगे, ला ग में ए की मात्रा लगे। देखिए आपका मुहावरा यानी सॉरी आपका जो पैराग्राफ था, पैराग्राफ वन इसको मानिए। ठीक, पैराग्राफ वन आपका हुआ क्लियर। अब बात करेंगे पैराग्राफ टू। ठीक, तो पैराग्राफ टू यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो पैराग्राफ टू को समझते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं। तो इसको देखिए कुछ, देखिए कुछ शब्द चिन्ह होता है लाइन पर कुछ, और देखिए लोग भी शब्द चिन्ह होता है लाइन को, लाइन पर, कुछ लोग पेड़ों के नीचे, देखिए देखिए पा का आंकड़ा, पा में ए की मात्रा, पेड़ा में ओ की मात्रा, देखिए ओ की मात्रा है, तो जिस व्यंजन में ओ की मात्रा जुड़ रही है उसी व्यंजन के आगे छोटा सा बिंदु लगा देंगे तो वो ओ की मात्रा पड़ जाएंगी। ठीक, तो पेड़ों के नी पेड़ों
के नीचे, देखिए के का सब चिन्ह लाइन पर होता है, नीचे का सब चिन्ह ना बनाएंगे आप लाइन के ऊपर, नीचे 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 नीरा पढ़ लेंगे ठीक। कुछ लोग पेड़ों के नीचे, नीचे चार पाई, देखिए चार और देखिए पाई ठीक, चार में बड़ा आकी मात्रा चार, देखिए ये लगाया हमने चार के ऊपर, चार ये हुआ ठीक, इसके ऊपर लगाया हमने चार, प आई पाली व्यंजन लिखा और उसी में आई की मात्रा। देखिए कुछ लोग पेड़ों के नीचे चार पाई बिछाकर आराम करते हैं, देखिए बिछाकर कैसे लिखना है आपको, बा का आंकड़ा और उसी में छा फिर कर, अब देखिए छा को काट देंगे, बी छा में बड़ा आकी मात्रा बिछा कर आराम, तो आराम कैसे लिखना है आपको, देखिए आराम बड़ा की मात्रा, बड़ा की मात्रा आराम करते हैं ठीक, देखिए करते और उसमें हमने जोड़ दिया है ठीक। अब उसी तरीके आगे देखिए, मगर जो मजा नीम की छाया में आता है, देखिए मगर का सब चिन्ह का और रा, देखिए ठीक गा और रा को मिला के लिखेंगे हम, तो पढ़ेंगे इसको वो भी लाइन पर, तो मगर पढ़ेंगे ठीक। मगर जो मजा, जो का सब चिन्ह होता है लाइन पर, जो मजा नीम, नीम की छाया, छाया बड़ा की मात्रा, यम बड़ा की मात्रा छाया, मगर जो मजा नीम की छाया, छाया ठीक छाया में आता है, में का सब चिन्ह देखिए लाइन पर होता है में, उसके बाद आता का ये देखिए आता है ठीक, आता है उसके बाद देखिए लिखा हुआ है वह कहीं नहीं आता, वह का सब चिन्ह ऐसे होता है लाइन के ऊपर, वह कहीं का भी सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, कहीं नहीं, नहीं का सदी होता है लाइन पर, नहीं आता है ठीक। अब देखिए इतनी बात क्लियर हुई हो तो बढ़े फिर आगे, अगला पैराग्राफ देखिए, अगला पैराग्राफ मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा ठीक। देखिए वन पैराग्राफ, टू पैराग्राफ, थ्री पैराग्राफ, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तीसरा पैराग्राफ देखिए, दिया हुआ नीम की हवा भी ठंडी होती है, इतना देखिए पहले नीम, और देखिए की का सब चिन्ह लाइन के ऊपर, की हवा ठीक, नीम की हवा भी, सॉरी नीम की हवा भी, भी का सब चिन्ह देखिए सा का अद्धा होता है ठीक, यानी सा का छोटा रूप को कहते हैं भी, वो भी लाइन ये सब चिन्ह है ठीक। नीम की हवा भी ठंडी होती है, तो देखिए पहले आप बनाएंगे ठा, फिर उसी निम्ना का आंकड़ा, फिर ढा में बड़ी की मात्रा ठंडी ठीक, होती है, हुआ हुए होती का सब चिन्ह है लाइन के लाइन पर, और देखिए हिस्से में जोड़ दिया हमने है ठीक। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, नीम की पत्तियां आरी की तरह कटावदार होती हैं, इसको देखिए नीम, देखिए नीम की का सब चिन्ह लाइन के ऊपर होता है, पत्तियां देखिए पा का आंकड़ा, फिर उसमें ता, फिर ता, और देखिए ता में ई की मात्रा या बड़ा की मात्रा, पत्तियां, नीम की पत्तियां आरी की तरह, देखिए बड़ा आकी मात्रा, रामे बड़ी की मात्रा, आरी की का सब्जी होता है लाइन के ऊपर की, और देखिए तरह का सब चिन्ह, तरह तरफ का सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, ता और रा को देखिए, नीम की पत्तियां आरी की तरह, उसके बाद लिखा हुआ है कटावदार होती हैं, देखिए कटावदार, देखिए का व्यंजन को आधा लिखेंगे हम तो उसमें क्या जुड़ जाएगा टा, तो देखिए हुआ लिखेंगे कटाव, फुर्सी में दार धार तरा, और टुट्टा टा में मात्रा, देखिए कटावदार, तो क व्यंजन को आधा करेंगे ट व्यंजन जुड़ जाएगा, तो उस जो ट व्यंजन की मात्रा आएगी उसको कहाँ लगाएंगे, टा के आने वाले जो अगला व्यंजन है उसके पहले पच में, यानी बड़ा की मात्रा, तो कटावदार ठीक, कटावदार होती हैं, हुआ हुए होती का सब चिन्ह लाइन पर होता है ठीक। तो पहले इसको समझिए आप, अब देखिए कटावदार होती हैं ठीक, अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है कटावदार होती हैं, अब देखिए इनका रंग हरा होता है, इनका, तो इनका का सब चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि लाइन पर होता है इनका ठीक, इनका रंग, देखिए रा व्यंजन उसी में ना का आंकड़ा, फिर उसी में गा, इनका रंग हरा, देखिए हा व्यंजन हुआ यहाँ तक, फिर उसी में रा में बड़ा की मात्रा, हरा होता है, होता हुए हुई सबका सब चिन्ह का होता है लाइन पर होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है, इसको देख कर आँखों को ठंडक आती है, इसको देखिए, इसको का सब चिन्ह लाइन के ऊपर, इसको देख कर, देखिए द व्यंजन फिर उसी में खा फिर कारा मिलकर कर, यानी देख कर, इसको देख कर आँखों, देखिए आँखों कैसे लिखा जाएगा, आ देखिए बड़ा आ की मात्रा पहले आ रही है स्वर आ, खा में ओ की मात्रा, आँखों को, आँखों को ठंडक आती है, को का सब चिन्ह लाइन पर होता है को ठंडक, देखिए
ठा और ना ठन, ढा को आधा करेंगे ठीक, ढा व्यंजन को आधा कर देंगे तो इसमें का जुड़ जाएगा, ठंडक आती आती है, इसको हम आते आती आती अपने मुहावरे के अनुसार हम पढ़ेंगे आती है। अब देखिए पैराग्राफ तीन भी खत्म हुआ, अब बात करेंगे पैराग्राफ फोर, पैराग्राफ फोर भी हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे ठीक। देखिए पैराग्राफ फोर को ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है नीम की पत्तियों का पानी सुरमा में मिलाकर अंजन बनता है। देखिए लिखा हुआ है नीम की का सचिन लाइन के ऊपर होता है, पत्तियों पत्तियों का सचिन लाइन के ऊपर, पाप में बड़ा की मात्रा में मिलकर पानी, नीम की पत्तियों का पानी मिलाकर, उसके बाद देखिए मिलाकर अंजन, देखिए आना मिलकर अन जाना मिलकर अंजन बनता। देखिए ता भी एक क्रिया है, इसको हम ताते तीदी कुछ पढ़ सकते हैं, बनता उसके बाद है ठीक। तो इतनी बात क्लियर हुई तो बढ़ते फिर आगे। देखिए इसे आँखों में लगाते हैं, इसे का सब चिन्ह देखिए, देखिए ये हुआ इसे आँखों, देखिए अभी हमने आपके सामने लिखा आँखों कि कैसे लिखा जाएगा ठीक। देखिए आ का में ओ की मात्रा, आँखों, इसे आँखों में लगाते हैं, मे का सब चिन्ह होता है लाइन पर मे लगाते हैं ठीक। तो देखिए लागा और देखिए ते लगाते, उसी में हमने जोड़ दिया लगाते हैं। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इसके लगाने से आंखों की बीमारी जाती है। देखिए इसके का सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर, इसके लगाने से का सब चिन्ह होता है मोटा लाइन पर, इसके लगाने से आंखों की बीमारी जाती रहती है। आंखों की का सब चिन्ह होता है लाइन के ऊपर की, उसके बाद देखिए लिखना है आपको बीमारी, बाका आंकड़ा और मा व्यंजन फिर उसी मेरा बीमार बड़ी की मात्रा बीमारी जाती रहती है। देखिए जाता जाते जाते कुछ पढ़ सकते हैं जाती, उसके बाद देखिए रहती रहता रहते रहती उसमें है जोड़ देंगे रहती है। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है नीम की टहनी से दातून बनता है। देखिए नीम और का देखिए नीम का की जो शब्द चिन्ह होती है वो लाइन के ऊपर है, नीम की टहनी, उसके बाद देखिए लिखना है टहनी, नीम की टहनी। देखिए आपको कैसे करना है, टा व्यंजन लिखना है फिर उसी में हा का व्यंजन फिर उसी में ना बड़ी की मात्रा, नीम की टहनी से का सब चिन्ह होता है लाइन पर नीम की टहनी से दातून, देखिए दातून ठीक। देखिए दा व्यंजन फिर उसी में दात बड़ा की मात्रा में ऊ की मात्रा दातून बनता है, देखिए बनता फिर उसी में है ओके। अब उसके बाद देखिए पैराग्राफ नंबर फाइव, ठीक फाइव भी हम यहीं से डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ फाइव देखिए लिखा हुआ है लड़कों क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है। देखिए इसको देखिए लड़कों क्या तुमने, देखिए क्या का सब्जी होता है लाइन के ऊपर, क्या तुमने का सब्जी होता है लाइन पर, क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है। देखिए नीम को का सब्जी लाइन पर नीम को रोते, देखिए राम ओ के मतलब रोते हुए, हुए का सब्जी लाइन पर होता हुए देखा है। देखिए द में ए देखा फिर उसी में आप लिख दीजिए है ठीक, देखा है। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कभी कभी नीम के तनों से पानी निकलता है। कभी कभी देखिए कभी का देखिए कभी और जब डबल बार रिपीट कर रहा है उसके लिए हम एस का मार्कर बना दें, कभी कभी ठीक, कभी ठीक नीम के तनों से पानी निकलता है। देखिए न व्यंजन और फिर उसी में माँ नीम की उसके बाद देखिए ता व्यंजन उसी में ना का आंकड़ा और उसी में ओ की, नीम की तनु से, देखिए से का शब्द चिन्ह लाइन पर होता है से पानी, पर बड़ा की मत नन बड़ी की मत पानी निकलता है, निकल और उसी में ता जोड़ देंगे हम और उसमें है निकलता है, ता ते ती कुछ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ता क्रिया होती है ठीक। अब लिखा हुआ है उसे नीम का रोना कहते हैं, उसे का शब्द चिन्ह देखिए होता है लाइन पर उसे नीम, देखिए ना में बड़ी की मात्रा नीम का रोना कहते हैं, देखिए का रामे ओ की मात्रा और ना व्यंजन रो ना कहते हैं,
देखिए का और हा और उसी में ते कहते हैं, इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद देखिए लिखा हुआ यह पानी भी दवा के काम आता है। यह पानी देखिए यह हा यह ये शब्द चिन्ह है वो भी लाइन के ऊपर लिखा जाता है। यह पानी पा का अंकड़ा और देखिए प बड़ा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले पक्ष में पा बड़ी की मात्रा। यह पानी पानी भी का सचिन देखिए सा का छोटा रूप होता है भी। यह पानी भी दवा के काम में आता है। देखिए द व्यंजन और उसी में वा में बड़ा की मात्रा दवा के का सचिन होता है लाइन पर के काम आता है। काम आता देखिए आता आते आती इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं अपने मुहावरे के अनुसार। ठीक तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी देखिए आज आपका था प्रैक्टिस अभ्यास 43 की। ठीक तो देखिए उम्मीद है कि पॉइंट नंबर 5 यानी पैराग्राफ 5 तक ही दिया हुआ है आपके अभ्यास 43 में, तो उसको हमने आपके सामने किया क्लियर। और देखिए इसमें जो भी आपको कोई भी लिखा हुआ न समझ में आ रहा हो यानी कोई भी आपको ये न समझ में आ रहा सब चिन्ह समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपके कमेंट बॉक्स में आपके जो भी आप भूल रहे हैं उसको आपको याद दिलाया जाए। ठीक तो आप उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे तो उसमें आपके कमेंट में आपको आपके आंसर दिए जाएंगे। ठीक तो देखिए फ्रेंड्स आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और सभी चीज़ें अच्छी लग रही हो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम हर एक वीडियो की क्लास में आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियोज को शेयर करिएगा अपने चैनल समझ कर, जैसे आपके रिलेटिव में हो, फ्रेंड्स हो, पास पड़ोस में हो। देखिए जब YouTube पर फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है तो क्यों आप पैसे लगाकर किसी कोचिंग वगैरह में आप पढ़ें, जब आपको फ्री एजुकेशन दिए जा रहे हैं आपके अपने चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा से, तो आप यही कोशिश करिए जितने आपके दोस्तों यानी मान लीजिए उनके पास मतलब फीस देने की वो ना हो, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हो, तो आप उन सभी के पास लिंक को शेयर कीजिए व्हाट्सएप के जरिए और भी जितने भी तमाम चीज़ें होती हैं, बस वो जितने भी बस यही काम है कि स्टूडेंट जुड़ने चाहिए अपने चैनल से। स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उनके कमेंट्स आएंगे पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा रहेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए आज के सेक्शन को फिलहाल यहीं रखेंगे, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगला क्लास आपका रहेगा दर या डर का प्रयोग। ठीक अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगली क्लास में तर टर डर सेक्शन लेकर। अब बढ़ते हैं आपके ठीक ठीक तो आज के लिए फिलहाल।